एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर हम ऐसी जगह पर हैं जहां वीआईपी, महामहिम प्रधानमंत्री, अन्य नेता लोग आकर यहां अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं। विज्ञान भवन जाना जाता है, विज्ञान भवन। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में हैं जिनको डॉक्टर रोहिदास स्वामी जी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने दलित साहित्य पे काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, और मेडिकल लाइन के अंदर होते हुए इन्होंने बाबा साहब को बहुत अध्ययन किया है और बाबा साहब को बहुत गहराई से पढ़ा है। और दलित साहित्य, जहाँ भी दलित साहित्य की बात की जाती है और दलित साहित्य के मंच लगते हैं, वहाँ अध्यक्षता की जाती है। सर, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। ये आज ये तीन दिन, दो दिन का जो प्रोग्राम विज्ञान भवन के अंदर चल रहा है, और महामहिम जी कल आए थे, सर इसका एक उद्देश्य क्या है? क्या पब्लिक को, ये मतलब आम जनता को आप अपील करना चाहते हैं? देखिए, आपने अच्छा कहा कि आम जनता को, नहीं तो लोग सोचते हैं ये डॉक्टर अंबेडकर के नाम से इंटरनेशनल कॉन्क्लेव है, एक कॉन्फ्रेंस है जी। ये गुप्त चर्चा है, बैठक है, कि हमारे लोगों में बाबा साहब ने दिए संविधान के माध्यम से जो तरक्की की है, जो विकास किया है, समाज के लिए जो जुड़े हैं, जो काम करते हैं, तो वो और लोगों को भी पता चले कि क्या भाई, ये एक मकसद आज और आप कल आप देखे होंगे, राष्ट्रपति महामहिम ने भी कहा या और कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भी कहा कि बाबा साहब को एक बहुत अलग तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया कि वो खाली पिछड़े लोगों के, दलितों के नेता थे। ये नहीं, इसको खारिज करना चाहिए। बाबा साहब ने हिंदुओं के लिए, इसके लिए हिंदू कोड बिल में से, मराठों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब जनता के लिए, आम जनता के लिए, भारतवर्ष के सभी जो भी नागरिक है उनके लिए काम किया, मत का अधिकार दिया, ये समानता का अधिकार दिया, जाति भेद निर्मूलन किया। तो इसमें खाली दलितों का उत्थान के लिए हेतु नहीं किया, लेकिन सीमित दायरे में बाबा साहब को रखे, उनके महापरिनिर्वाण के बाद कई सालों के बाद उनको भारत रत्न दिया गया वगैरह, ये खेद की बात है। तो इस दो दिन की अंतर्राष्ट्रीय ये सम्मेलन से हम संयोजक या आयोजक एक समाज में एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब को समझो, उनको पढ़ो, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यप्रणाली को देखो। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्व जाति धर्म के विकास के लिए उन्होंने काम किया। इस देश के संविधान में खाली पिछड़े जाति के लिए कुछ ही नहीं किया, आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो शिक्षा है, जो महिलाओं का प्रॉब्लम है, सशक्तिकरण की बात, सक्षमीकरण की बात करते हैं, तो बाबा साहब ने जब मजदूर मंत्री थे या संविधान के माध्यम से इस देश में बहुत बड़ा एक विकास का माध्यम, एक जरिया दिया है, तो शुक्र करना चाहिए आम इंसान ने। तो उनको पता चलना चाहिए कि बाबा साहब क्या चीज़ थी, क्या व्यक्तित्व थे। इतने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के, इतनी डिग्रियां, उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद जो नम्रता से समाज के विमुख काम करने वाले एक महान महान नेता, एक भगवान के जैसे नेता हमारे थे, और उन्होंने हमारे संपूर्ण विकास के लिए जो काम किया, उसी से हम जुड़ना चाहिए, यही हमारा श्वास। एक सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व की गुणों का आकर्षण लोगों में होके, उनके गुणों का, विचारों का फायदा लेके, खुद का विकास करके, इस देश के, भारतवर्ष के विकास के लिए जुड़े रहें, यही मकसद है ये दो दिन ये कॉन्फ्रेंस चलाने का। सर रोहिदास जी, बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ऐसी पॉप लीला करने से अच्छा है कि जो मेरे बताए हुए रास्ते हैं उनको पढ़ो, उनका अच्छा अध्ययन करो। ये तो ज़रूरी है कि उन्होंने जैसे बताया कि पढ़ो, शिक्षित हो, सुसंस्कृत हो, और संघर्ष करो, संगठित हो, ये तो कोई भी समाज के लिए लागू है। शिक्षा एक ऐसा बोलते हैं ना ये शेरनी का दूध है। जैसे मैं अभी आज ललकार ला रहा हूँ, जो रोहिदास वाघमारे आपके सामने बात कर रहा है, वो लातूर जैसे एक पीड़ित अकालग्रस्त जिले में, महाराष्ट्र में, 10 पैसे में 1960 या उसके पहले जूता पॉलिश करता था, गोबर चुनता था, उपली लगाता था, घर लिपता था, कचरा ढूंढता था, अछूत था। जिस अप्रकाश पटेल ने मुझे तमाचा मारा, वो मेरे पास मरीज बोल के आए, मुझे डॉक्टर बना। मैं डॉक्टर नहीं बनता
तो खाली कंडक्टर का चपरासी का काम मुझे करना पड़ता था। बिकॉज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर मैं शिक्षा लिया और मैं 7 डिस्ट्रिक्ट में फंस था। मेरे पिताजी के पास 100 रुपये नहीं थे तो मेरे प्रिंसिपल ने 100 रुपये दिए थे। आज मैं एक प्रतिथेष कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, गीतकार हूँ, काम करता हूँ, शादी जमा झगड़ा मिटा, नौकरी बदली, ये कौन किन की बदौलत है? ये बाबा साहब की विचारधारा के बदौलत है। उन्होंने कहा एकला चलो रे नहीं साथ ले चलो, लोग जुड़ते जाएंगे तो कारवा बनेगा। हमको लोगों को जोड़ के लोगों के दुख दर्द को कम करने के लिए, मैं डॉक्टर होने के बावजूद विदाउट मेडिसिन किसी का दर्द कम कर देता हूँ। मैंने डायलॉग बनाया, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द सीन देर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, चेंज द लाइफ स्टाइल, गेट अडाप्टेड एक्वेंटेड यूज टू अक्लमटाइज टू एडजस्टेड टू द न्यूअर लाइफ स्टाइल। आज लोग हर चीज़ के लिए दवा, अरे दवा की जरूरत नहीं दुआ की जरूरत है। जो भगवान जैसी विचारधारा वाले महात्मा गौतम बुद्ध हो, भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, संत गुरु रविदास जी की वाणी हो, तो इनकी विचारधारा से समाज में अच्छा बोने का काम उन्होंने किया और वो आज जो फसल जो उगी है। जैसे मैं डॉक्टर बनाऊँ, कई प्रोफेसर ये IAS IPS कलेक्टर कमिश्नर राष्ट्रपति हमारे कोविंद साहब राष्ट्रपति बने हैं, बाबा साहब की मेहरबानी है या कोई सॉरी सर। ये कहा जाता है कि देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हो चुके हैं, फिर भी आज भी दलित समाज जिसे बहुजन समाज कहते हैं उन पर जैसे पहले अत्याचार हो रहे थे और आज भी उसी प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा छेड़ा सवाल। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ विकास हुआ है आरक्षण की वजह से, संरक्षण की वजह से, या देश के संविधान में जो भी जो कानून कायदा जो किया है बाबा साहब ने, तो कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। मैं कहा करता था कि अस्पृश्यता हमने देखी, भुगती, वो स्पर्श करने से महसूस किया करती थी। आज अस्पृश्यता दिखती नहीं है, वो अदृश्य है। उसको मैं कहा करता हूँ दिस इज हिडन अनटचेबिलिटी। दफ्तर में किसी का एक शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के कोई अधिकारी का प्रमोशन है या कुछ अच्छी एग्जीक्यूटिव पोस्ट उसको देनी है तो वहाँ जात आड़ आ जाती है। कोई भी बड़े बड़े काम में किसी को टिकट देना है MLA MP का कोई इसका संसद का, तो वहाँ पर जात आड़ आ जाती है। भले मैं मेरिट में हूँ, जब 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 ये जो क्रिमिलेयर की बात करते हैं, समझो मैं बोला कि मैं अभी अच्छा है, मैं खाता पीता घर का हूँ, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब है, तो मेरे को क्रिमिलेयर में डालो। और जब मैं ओपन का टिकट मांगता हूँ तो मुझे फिर जात आड़ जाती कि मैं चमार हूँ, तो बोलते हैं नहीं आप शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में आइए। देखो हम मेरिट में सामने के गेट से आना चाहते हैं तो बोलते हैं पीछे के गेट से आइए। ये हमको नहीं चाहिए, ये दो भेदभाव है, ये अस्पृश्यता है, ये हमारा अपमान है, ये बाबा साहब की विचारधारा का अपमान है। इस देश के संविधान ने ऐसा किसी को अधिकार दिया नहीं है। इस देश का कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, तो आम इंसान को ऐसा ये दुय्यम दर्जा का बर्ताव कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये समानता, समता, बंधुता, न्याय और ये बोलते हैं ना समान संधि कायदा, ये बाबा साहब ने दिया और हमको वो करना है, हमको हासिल करना है। अच्छा हमारे जैसे बड़े बड़े अधिकारी जब पद हासिल किए तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, तो पे बैक टू सोसाइटी। हमें देखना चाहिए कि हम जिस समाज से ऊपर आए, जिस आरक्षण का हमने फ़ायदा लिया, जिस कुर्सी को हमने सोचा भी नहीं इतनी बड़ी कुर्सी हमको मिली, जो पद को न्याय देने के लिए, उस पद का फायदा आम इंसान को जो अपने अभी भी बहुत लाइन में पीछे हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं कहा करता था कि हमारे अधिकारी भी बहुत से टाइम ये कुर्सी की मर्यादा, उसको बोलते हैं ना डायमेंशंस, पोटेंशियल्स, उसकी ब्यूटी, उसका खासियत देखो, उसका देखो ये कुर्सी की क्या पावर है। देखिए मैं जस्टिस बन गया, चीफ जस्टिस बन गया, तो मुझे अन्याय के विरोध में न्याय देने की एक एक सद्बुद्धि बाबा साहब ने दी है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो रोहताज जी वो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। और सर ये मैं देख रहा हूँ कि करीब 5 साल से लगभग जो हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो एक ओझल से होते गए, क्योंकि वो साहित्य और कवि उभर कर नहीं आ रहा। जैसे अभी आपने बोला कि मैं दलित साहित्यकार भी हूँ, कवि भी हूँ, तो वो ओझल होने का उनका क्या एक वो रहा कि वो बिल्कुल ओझल हो गए? इसमें एक बहुत बड़ी कुटिल नीति है। जैसे दलित समाज के कोई साहित्यकार को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, प्रोफेसर को, ये जो बाकी जो उच्च वर्णीय संस्था जो है,
जो अंडरग्राउंड केबलिंग जैसे काम करती है, वो उसको एक आधा अवार्ड दे के, उसको भला कुछ सम्मान करके, उसको ऊपर उठा के पहाड़ पे ऊंचे ले जाके ऊपर नीचे कहाँ फेंक देते पता ही नहीं चलता। तो हमारे लोग हैं ना एक क्षणभंगुर ऐसे ऐहिक ऐसे भौतिक सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए। किसी की सराहना को टटोल के देखना चाहिए। मैं तो मेरे घर में किसी ने आम की पेटी लाया तो उसको मैं खोल के बता किसने दिया है, वो उसका बिल किधर है, वो मेरे को उसके अंदर क्या क्या है वो बता। जैसे फुकट में आई चीज़ तो जैसे मस्ती में नहीं आना चाहिए। तो हमारे लोगों को ये देखना चाहिए। और क्या होता है कि जैसे साहित्यकार भी आज लिख रहे हैं ना, तो समाज की जैसे फिल्म बनाते हैं तो लोगों की ऑडियंस की क्या चाहत है, क्या उनकी टेस्ट है, उसके ऊपर लिखते हैं। ऐसा नहीं, जो प्रामाणिक है, जो समाज में जो उथल मुथल हो रहा है, समाज में जो अधपतन जो हो रहा है उसको उठाने के लिए, समाज की उत्पीड़न को कम करने के लिए, उसके उच्चाटन के लिए हमें काम करना चाहिए, उसके लिए लिखना चाहिए। मैं भी इतनी कविताएं ये लिखता हूँ तो बहुत कड़वी लिखता हूँ, ऐसा लगे कि सामने वाले को धार लगे जैसे तलवार जैसी। तो ये जो है उसको ब्लंट करने के लिए बाकी लोग मौजूद है तो उनसे ज़रा दूर रहे। सर आपने कविता की बात की, सर एक बाबा से संबंधित एक कविता गुनगुनाएं और जो कि आपको देश ही नहीं आपको विदेश भी देख रहा है, उससे लगे कि हाँ बाबा साहब के अनुयायियों के अब वो दमखम बरकरार है जैसे पहले था वो आज भी है। ओके, ये मेरी बाबा साहब के ऊपर सीढ़ी है, उसका नाम है बाबा लौट के आजा। मेरे गाने सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, उदित नारायण, विनोद राठौड़, अनुप जलोटा, कुमार सानू, सोनू कक्कड़, रामशंकर सब ने गाया। तो मैं इसमें लिखा हूँ, प्यारे भीम राजा तू लौट के फिर आजा, आज भी हम हैं पिछड़े भुगत रहे हैं सवर्णों की सजा। ऐ प्यारे भीम राजा तू लौट के फिर आजा, आज भी हम हैं पिछड़े भुगत रहे हैं सवर्णों की सजा। ऐ प्यारे भीम राजा तू लौट के फिर आजा, हमें पद ऊंचा मिला आरक्षण लेकिन नहीं मिला संरक्षण, भुगत रहे हैं पल पल सवर्णों की सजा। ऐ प्यारे भीम राजा तू लौट के फिर आजा, ऐ प्यारे भीम राजा तू लौट के फिर आजा। सर अब दलित समाज से जो किताबें लिख रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, कवि लिख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या अपील होगी आवाम के लिए? मैं हमारे युवा पीढ़ियों को खास करके बताऊंगा कि अपनी विचारधारा अच्छी रख के अपना रहन सहन अपना जो आचरण है वो शुद्ध रखें, बाबा साहब की संत रविदास जी गुरुवाणी को आचरण करें, और जो ड्रग्स है ये है जो गंदी चीज़ें हैं जो हमारे समाज को बर्बाद करने वाली हैं उससे कम से कम दूर रहें, और अच्छे लोगों की संगत में रह के, अच्छे लोगों की पंगत में रह के, समाज के बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, युवाओं के माध्यम से इस देश को सशक्त मजबूत बनाने के लिए, सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए काम करें, यही मैं कहूँगा। जय भीम। क्या नाम बोला ये? एस एम न्यूज बोल आप बोलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मुंबई से यहाँ तक आया और एसएम न्यूज़ ने, उनको क्या लगा मुझे पता नहीं, मैं इधर तो ऑडियंस में ढेर सारे लोग हैं, 1000-2000 लोग हैं, उनमें से मुझे उन्होंने चुना और एसएम न्यूज़ ने एक बहुत बहुत बड़ा मुझे मौका दिया आपके सामने यहाँ पेश होने का, आपके सामने चंद विचार रखने का, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जैसे बोलते हैं ना मेरे ज्ञान का, अनुभव का, तजुर्बे का, कुर्सी का फ़ायदा आम इंसान ने लेने के लिए मैं ज़िंदा हूँ। मेरी कोई कंसल्टिंग है ही नहीं, क्योंकि मैं कहता था कंसल्टिंग ए लव्स मुझे इंसल्टिंग है, हैड आई बीन कंसल्टेंट आई वुड हैव नॉट अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ। तो सैम, ये जो सैम न्यूज़ है, इनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही समाज के माध्यम से, ये मीडिया के जरिए समाज में जो भी जो उत्पीड़न की बात है उसके उत्थान के लिए ज़रूर आवाज़ उठाने का प्रयास करें। मैं और एक बार धन्यवाद देके सबको जय भीम कहता हूँ, जय भारत करता हूँ। धन्यवाद सर।